आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। आखिर देश के किन किन राज्यों में 31 दिसंबर 2020 तक फिर से लॉकडाउन लागू रहेगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ चुकी है। आखिर 31 दिसंबर तक लॉकडाउन की पाबंदियां कहां कहां बढ़ा दी गई है, सरकार की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जानेंगे अपन। इसके अलावा भी आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जायजा लेने के लिए हैदराबाद पुणे शहरों में भी पहुंचे हैं। वहां आकर क्या स्टेटस चल रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन का, मतलब क्या स्थिति चल रही है अभी भारत में, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी कोरोना वायरस से जुड़े कुल मिलाकर के 15 बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स जानेंगे अपन इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। भारत में सबसे पहले आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 नए केस आए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 93,51,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एग्जैक्ट डेटा आप देख पा रहे कि 93,51,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं और जिसमें से 4,54,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 87,59,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,36,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। आइए अब नजर डालते कोरोना जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए जरा। एक तो दोस्तों राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है, अब कोरोना की जांच 1200 में नहीं बल्कि 800 रुपए में ही हो जाएगी। कोरोना वायरस टेस्ट की रेटों को राजस्थान राज्य में घटा दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को बड़ी घोषणा की और कहा कि प्रदेश की निजी लैब में, प्राइवेट लैब में अब कोरोना की जांच 1200 के बजाय 800 रुपए में होगी, ठीक है ना। सीएम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना टेस्ट किट की रेटें भी कम कर दी हैं, इसलिए अब हम निजी लैब में कोरोना की जांच भी घटा रहे हैं। तो ये राहत की बात है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में आने वालों के लिए कोरोना टेस्टिंग के बाद अब ऑनलाइन आवेदन भी जरूरी होगा, तो ये भी नया नियम बना दिया है। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ऐसे लोग जिनमें स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगता है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, उनका टेस्ट तो करवाया जा रहा। इतना ही नहीं, यदि दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोगों पर टेस्टिंग का फोकस ज्यादा रखा गया, इसका कारण है कि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों की भी टेस्टिंग के बाद अब ऑनलाइन आवेदन भी जरूरी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, वैक्सीन विकास की गति का जायजा लेंगे। आज 3 शोध संस्थानों पर पहुंचेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 3 प्रमुख शहरों के दौरे पर हैं। एक तो अहमदाबाद के जायडस बायोटेक कैंप पहुंच गए हैं, वहां से पीएम मोदी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के लिए रवाना होंगे। फिर पुणे पहुंचने के बाद पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की तैयारियों का जायजा लेंगे। फिर वहां पर लगभग 1 घंटा तक रुकेंगे और इसके बाद भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद पहुंचकर कोवैक्सीन के निर्माण के बारे में जरूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो अभी दोस्तों आखिरकार लाइव अपडेट आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत बायोटेक प्लांट में हैदराबाद में पहुंच चुके हैं, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का वो जायजा भी ले रही है। कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दूं यहां भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा तैयार की गई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पीएम मोदी इस वैक्सीन सेंटर में तैयारियों का जायजा लेंगे और भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन जो है इसका ट्रायल फिलहाल 3rd चरण में चल रहा है, 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है। तो ये वाकई में राहत की बात है। अच्छा, कोरोना को लेकर अगली बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की देश में अब तक 10% आबादी का ही कोविड टेस्ट हुआ। कोरोना की जांच में दिल्ली जो है, राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा जांचें हुई हैं, अव्वल है दिल्ली। मतलब देश में कोरोना वायरस के कुल मामले तो 93,50,000 से भी ज्यादा पहुंच गए हैं और पहले की तुलना में रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है। इस बीच दोस्तों भारत में टेस्टिंग का स्तर जो है वो 1,00,000 टेस्ट प्रति 10,00,000 आबादी के पार पहुंच गया। सीधी भाषा में समझे दोस्तों तो देश की 10% आबादी का कोरोना वायरस का टेस्ट भी हो चुका है। देश में अब तक कुल 13,82,20,000 से भी ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो ये टेस्टिंग के आंकड़े का एक ग्राफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए जरा, कोरोना वायरस ने इकोनॉमी पर कितना असर डाला। तो देखिए दोस्तों अर्थव्यवस्था पर कोरोना का कहर देखने को मिला। सरकारी डेटा से इस बात का खुलासा हुआ कि दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट देखी गई। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ और सिर्फ दोस्तों हमारे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज जो है ना, अमेरिका, जापान, रूस, ब्राजील, ब्रिटेन वगैरह वगैरह सभी कंट्री की इकोनॉमी पर कोरोना ने बुरा असर डाला, राइट। और ऐसे में देखा जाए तो दुनिया भर की ग्लोबली वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ना उसमें भी गिरावट आई। भारत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अनुमान इससे भी ज्यादा गिरावट का था, लेकिन अच्छी बात है कि 7.5% की ही गिरावट हुई। और ऐसे में अब संकेत है कि अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे पटरी पर लौट सकती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से गिरावट दर्ज हुई और बाकी दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में वापस सुधार होगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री को कोरोना हो चुका। साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है, इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में 3 दिन पहले भी आया था इनको बुखार। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और फतेहपुर के सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना से संक्रमित हो गई। ट्रू नोट टेस्ट में शुक्रवार देर रात पुष्टि होने के बाद उन्हें कोविड आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा दोस्तों कि उन्हें दोनों फेफड़ों में
निमोनिया भी है और उसके साथ साथ आई सहायक और अन्य एक व्यक्ति की एंटीजन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सांस लेने में तकलीफ होने पर शुक्रवार देर रात LLR हॉस्पिटल के मेडिसिन ICU में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनके दोनों फेफड़ों में संक्रमण की वजह से निमोनिया भी हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के लिए ट्रू नोट जांच के लिए सैंपल लिया गया जो कि पॉजिटिव आया है और सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द के बाद उनको वाकई में भर्ती किया गया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए साथ ही इसी बीच अगली खबर दोस्तों देखिए जरा, शादी विवाह समारोह में नई कोरोना गाइडलाइन से किचकिच बनी हुई है। होटल से लेकर हलवाई तक परेशान है और CM को त्राही माम का संदेश भी भेजा। खबर है बिहार राज्य की, जहां दोस्तों लगन के शुरू होते हैं। आपको बता होगा अभी देव उठनी 11 के बाद विवाह कार्यक्रम शादी ब्याह के जो फंक्शन है वो शुरू हो चुके हैं राइट। और ऐसे में लगन के शुरू होते कोरोना एक बार फिर से शादी समारोह में विघ्न डाल रहा, खलल डाल रहा। बिहार राज्य की बात करें तो यहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं और सरकार की गाइडलाइन आने के साथ ही शादी समारोहों को लेकर किचकिच भी शुरू हो चुकी है। कोरोना लॉकडाउन के कारण पहले से परेशान DJ, टेंट, पंडाल वाले, बग्गी वाले, फूल कारीगर, हलवाई अब फिर से नई परेशानी से जूझ रहे हैं। वे लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचने की गुहार लगाने लगे हैं और जिन परिवारों में शादी हो रही है वहां परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। निमंत्रण पत्र बांटे जा चुकने के बाद अब कोरोना की नई गाइडलाइन देखकर हाथ पांव सा फूल गया। सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए आमंत्रितों को रोकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। उधर दोस्तों बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों के संचालक आयोजकों को आमंत्रितों की संख्या कम करने की सलाह दे रहे हैं। 100 से ज्यादा आमंत्रितों के शामिल होने पर कार्यवाही का डर भी उन्हें सता रहा। कि जरा क्या चल रहा बिहार राज्य की तरह दोस्तों, आपको पता होगा कई राज्य सरकारों की तरफ से कोरोना पर जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसमें शादी समारोह फंक्शन वगैरह को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में लोगों की लिमिट घटाई है। तो प्लीज आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहे, जरूर लगाएं और इन बातों का ध्यान रखें ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में लागू रहेगा लॉकडाउन, नए साल के जश्न में मिलेगी छूट। जी हां, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों 31 दिसंबर तक मध्य रात्रि तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। नए साल के जश्न में हालांकि छूट मिली, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियों को इस पूरे साल तक बढ़ा दिया गया, यानी कि अब फिर नए साल 1 जनवरी 2021 के बाद ही कुछ छूट और ढील मिलने की संभावना है। बाकी दोस्तों कोरोना वायरस एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपने पैर पसार और राज्य में रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए घबराई महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर तक मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया। हालांकि नए साल के जश्न में न्यू ईयर 2021 की छूट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं 5 नवंबर को छूट देने के बाद कोरोना केस में उछाल आया था। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में बीते 5 नवंबर से लॉकडाउन के चलते लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी गई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखा गया दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को खोलने की मंजूरी तो दे दी थी। हालांकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये छूट सिर्फ ग्रीन जोन से एरिया में ही लागू करने के आदेश दिए थे। जहां कंटेनमेंट जोन हैं वहां पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई। अब दोस्तों महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन लगाए जाने के आसार भी नजर आ रहे हैं। वापस 22 मार्च के बाद देश में लॉकडाउन लगाया गया था और ऐसे में कोरोना की सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे थे। इस बीच 7 महीने से ये बंद पड़े थे। हालांकि नियमों में छूट देने के साथ कुछ दिशा निर्देश भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे और ऐसे में इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब दोस्तों वापस बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र को एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा है। ये अटकलें भी लगाई जा रही कि कोरोना के मामले इतनी रफ्तार से बढ़ने पर राज्य सरकार वापस लॉकडाउन लगा सकती है, तो आखिर आज फाइनली लगा ही दिया, समझ रहे हो ना। हालांकि यहां कुछ नियमों में जरूर छूट रहेगी, जहां ग्रीन जोन एरिया है वहां पर कुछ छूट जरूर मिलेगी। जिन नियमों में महाराष्ट्र सरकार ने रियायत दी है वे नियम कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। कंटेनमेंट जोन के बाहरी स्थानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि वहां पर कुछ दुकानें वगैरह और कुछ ये चीजें खुल सकती हैं। बाकी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल में ये साफ बताया गया है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और बराबर सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही जिन स्थानों को खोला जा रहा है वहां कुछ भी खाने पीने की अनुमति नहीं होगी, मतलब होटल, रेस्टोरेंट वगैरह ये वहीं पर बैठकर नहीं खा सकते हैं, वो पैक करके भले ही ले जा सकते हैं, घर पर खाने पीने की अनुमति होगी। और बाकी जो कंटेनमेंट जोन एरियाज हैं वहां पर तो ऑलरेडी स्ट्रिक्टनेस इतनी रहेगी कि अनुमति रहेगी ही नहीं। अब दोस्तों क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कहीं पूरे देश में तो वापस 31 दिसंबर तक लॉकडाउन नहीं लग जाए, ठीक है ना। तो आपके इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। ये जो लॉकडाउन लागू किया गया ये तो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में किया राइट। अब दोस्तों पूरे देश की अगर बात करें तो सरकार का ये कहना कि अफवाहों पर आप ध्यान नहीं दें, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्यों को सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने की इजाजत है। राज्य सरकारों को सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही लगा सकती है वो अपने लेवल पर, और बाकी लॉकडाउन अगर लगाना है राज्य सरकारों को भी किसी पर्टिकुलर राज्य में भी तो केंद्र सरकार की इजाजत लेना जरूरी होगा। 31 दिसंबर तक की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उनमें ये अपडेट भी बताया गया, ठीक है ना। 1 दिसंबर से जो नई गाइडलाइन जारी होने जा रही उनके अकॉर्डिंग ये फैसला है। बाकी देश में कोरोना वायरस का कहर भले ही बढ़ रहा हो लेकिन सरकार का कहना कि दोबारा लॉकडाउन लगाए जाना महज एक अफवाह मात्र है, आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। इन अफवाहों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है और कहा कि फिर से देश में लॉकडाउन लगाए जाने से सरकार ने इनकार किया। ओके दोस्तों, तो अभी तक सिर्फ खबर यही है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो चल रही है उसके मुताबिक
मुताबिक जी न्यूज, न्यूज 18, इंडिया टीवी सभी जगहों पर आपको यह अपडेट देखने को मिल जाएगा। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन की पाबंदियों को बढ़ाया गया, ठीक है ना। बाकी पूरे देश में जो कंटेनमेंट जोन में स्ट्रिक्टनेस चली रही है अभी भी, और बाकी ग्रीन जोन में काफी कुछ डील दी भी हुई है, छूट चल रही है। और फिर भी दोस्तों आप चाहे किसी भी जोन में रह रहे हो, आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपनों का खुद का ख्याल रखें, परिवार का ध्यान रखें, ओके। इसके साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आ रहे हो ना, तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।